उनके द्वारा सरकार को यह महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने के लिए उनके द्वारा दारू व्यवसायी और दारू सप्लाई किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकार है, जिस स्टेट में है, वहां डुप्लीकेट दारू सप्लाई होता है, वहीं के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए सोची समझी राजनीति कर रही है। और सरकार के जब तक हम सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक शराब पूर्ण रूप से बंदी नहीं हो सकती है। हम सब लोग को मानसिकता बदलना चाहिए, हम सब लोग को उस पर नियंत्रण करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं नीतीश जी बहुत बेईमान है, बहुत नीतीश जी खराब है, 17 साल से उनको नीतीश जी बेईमान है, खराब नहीं लग रहा था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में कथित रूप से जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद तमाम सियासतों के बीच नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंचे और उन्होंने तेजस्वी यादव को ललकारा और उन्हें इस्तीफा देने की मांग कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यादव के नाम पर वो राजनीति करते हैं और सीतामढ़ी में वे देखने तक नहीं आए हैं। 5 मरने वालों में से 4 यादव भी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है RJD विधायक मुकेश कुमार यादव जी, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। मरने वालों में 5 यादवों में से 4 यादव है सर, 5 में से 4 यादव। मृत्यु पर जात की राजनीति जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल के नेता, वह निंदनीय है। मृत्यु किसी का हुआ है वह बहुत ही दर्दनाक है और संदिग्ध अवस्था में 5 आदमी की मृत्यु हुई है। मैंने वहां गया, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बारे में बोल रहे थे। हमारे नेता की सूचना मिलने के बाद रात में ही टेलीफोनिक सूचना आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे निर्देश दिया अविलंब जो मृतक परिवार है किस ढंग से मृत्यु हुई है वहां जाकर उनके मृतक के परिजनों से मुलाकात कीजिए। मैंने वहां मृतक के परिजनों से मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद जिला के प्रशासन, जिला अधिकारी, जिला के पुलिस अधीक्षक, श्रम अधीक्षक, जिला श्रम अधिकारी, एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंट, सभी लोगों से दूरभाष पर बात हुई और सभी लोगों ने, जिला के तमाम अधिकारी ने घटना स्थल पर पहुंचा। अब पहुंचने के बाद किस ढंग से मृत्यु हुई है उसकी जांच हो रही है, जो उसमें दोषी व्यक्ति होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई से पहले जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके परिजनों के लाश पर राजनीति करते भारतीय जनता पार्टी के लोग या अन्य कोई लोग करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनके दुख के प्रति, उनके परिवार के संवेदना के प्रति उन्होंने लाश पर राजनीति करने गए हैं। अगर मर गए उनका छोटा छोटा बच्चा है, उनके परिवार को, आश्रितों को लाभ मिलने के, मुआवजा मिलने की बात होनी चाहिए। उनकी तो मृत्यु हो गई, सरकार इस पर गंभीर है और सरकार इसकी छानबीन भी कर रही है। जो संदिग्ध अवस्था में जब मौत हुई है, किस ढंग से मौत हुई है, पूरा पुलिस प्रशासन और जिला के DM SP साहब लगे हुए हैं। जो दोषी व्यक्ति होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 50 गाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक लोग गए थे और प्रतिपक्ष के नेता भी गए थे और पूछ रहे थे कि हम आपके लिए तैयार है। हमारे क्षेत्र में हम सुने थे उनका वीडियो, जो हम आपके बगल के विधायक है, फलना जगह के विधायक हैं, हम आपके लिए तैयार है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अपने क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो लोग कहते हैं प्रतिपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष के नेता के क्षेत्र में कई कई जो घटनाएं हुई है उनके यहाँ तो संवेदना व्यक्त करने नहीं करते हैं और दूसरा जगह जाके रोटी सेकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, दारू बंद है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके द्वारा सरकार को, यह महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने के लिए उनके द्वारा दारू व्यवसायी और दारू सप्लाई किया जा रहा है। हरियाणा से दारू आता है, हरियाणा में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश से दारू आते हैं, किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकार है, जिस स्टेट में है, वहां डुप्लीकेट दारू सप्लाई होता है, वहीं के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए सोची समझी राजनीति कर रही है। इसलिए राजनीति कर रही है, जो अभी बिहार की महागठबंधन की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो नेतृत्व में सरकार चल रही है, यह रोजगार की बात करती है और रोजगार दे भी रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा किया था चुनाव के वक्त ही, मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। और उस पर हमारी महागठबंधन की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में काम चल रहा है और 3 से 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी अभी तक मिल चुकी है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कोई मुआवजा नहीं मिला है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं आए हैं, 4 यादव की मौत हो गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हम प्रतिनिधित्व है ना,
हम मैंने गया वहां सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब पूछते हैं वो कहां थे उस समय, वो दो दिन चार दिन के बाद गए, मुझे उस समय ही टेलीफोनिक सूचना दिए बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने, मैं घटना स्थल पर तुरंत पहुंचा और मृतकों के परिवार से मुलाकात किया, उनको सांत्वना दिया, उनके दुख घड़ी में खड़ा हुआ, जो सरकारी मदद होगा मुझसे भी जो हुआ आर्थिक रूप से मैं मदद करने का काम किया हूं और सरकार से भी मुआवजा की मांग करता हूं, जब 10-10 लाख आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, जब मृतक के परिजनों को मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग के जैसे मीडिया में आकर और उसमें ओछी राजनीति मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं गया कहीं टेलीविजन आपके कहीं न्यूज चैनल में नहीं दिया, लेकिन सबसे पहले मैं पहुंचा वहां। आर्थिक मदद हुई उनको? एकदम हुई, एकदम हमसे जो बन पड़ा करे किए और सरकार से भी जो प्रशासन के श्रम विभाग से भी मैंने कलेक्टर साहब से बात किया, श्रम विभाग से भी पैसा मृतक के परिजनों को देने की बात हो रही है, सभी विभाग से जो उनको सहायता मिल सकती है सरकार से वो उस पर सरकार और प्राधिकारी तत्पर है और मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गए आंसू पोंछने तो वो छोटा छोटा बच्चा है, अपने जेब से भी कुछ 50 गाड़ी लेके गए, 50 आदमी गए थे, 50 विधायक से ऊपर गए थे, 25-50 विधायक, अगर 1-2 हजार रुपया देते तो उस गरीब के पास तो कुछ हो जाता, खाली अब रोटी सेकने जाते हैं, बाइक लेके चमकाने के लिए अपना चेहरा दिखाने के लिए जाते हैं। अभी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो विधायक का चेहरा चमकाते हैं कहीं क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। तो क्या लग रहा है लाश पर राजनीति खेल रहे हो? उन्होंने तो नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया है कि गरीब और दलितों की लाश पर तो आरजेडी और महागठबंधन की सरकार, कभी भी महागठबंधन की सरकार गरीबों की राजनीति, गरीबों की लाश पर राजनीति नहीं करती है। गरीबों की मदद करने के लिए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव हमेशा से ही गरीबों को जुबान दिए, गरीबों को आवाज दिए, जो आज तक न कोई दिया है न देगा, उस जुबान को भारतीय जनता पार्टी के लोग बंद करना चाहता है। अभी जो पूरे देश में आरक्षण का मुद्दा हुआ है, 75% आरक्षण, यह पहला स्टेट है जो 75% आरक्षण देके जो गरीब जो सबसे निचले तबका के पायदान पर थे जिनको भागीदारी नहीं मिलती थी, उनको जातिगत जनगणना कराकर छोटी छोटी जातियों जिनका कोई भागीदारी न था वैसे जाति को भी चिन्हित किया गया है जातिगत जनगणना कराकर, और वैसे लोगों को भागीदारी आरक्षण के माध्यम से भी दे रही है सरकार, यह सराहनीय है, पूरा देश सराहना कर रही है। और इसी को बरगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथगंडा अपनाते हैं, वह हथगंडा अब नहीं चलने वाला है। मंदिर और मस्जिद से हमारा देश के लोगों को जो गरीब है उनका पता है, हमारा पेट, हमारा रोजगार की बात होनी चाहिए, हमारा किसान सुदृढ़ होगा इस पर बात होनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद पूजा करने की जगह है, इबादत करने की जगह है, न कि उस पर राजनीति करने की जगह है। क्या लग रहा है बिहार में शराबबंदी फेल है? नहीं, शराबबंदी, शराब एक स्टेट में बंद है, यहाँ पूर्णतः बंद है, और सभी लोग, हम सभी लोग को प्रण करना चाहिए शराब अगर बंद है तो उस पर एक सरकार बंद कर देगी, और सरकार के जब तक हम सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक शराब पूर्ण रूप से बंदी नहीं हो सकती है। हम सब लोग को मानसिकता बदलना चाहिए, हम सब लोग को उस पर नियंत्रण करना चाहिए, हम लोग अपने आपस में भी प्रचार करना चाहिए, गांव में गमई में पहले जो शाम बेड डूबने के बाद किसी टोला मोहल्ला में कोई अच्छे व्यक्ति नहीं जा पाते थे दारूबंदी के बाद, आज कम से कम पीते लोग हैं, चुरा छुपा के पीते होंगे, बाहर से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सप्लाई करते हैं वहां से लेके पी लेते होंगे, ये मैं नहीं कहता हूं, और मैं एक आपको प्रूफ देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अब राजनीति करते हैं। जब अभी विधायक दल का सेमिनार हुआ था विधायक लोगों का मुंबई में, और वहां पर बिहार के जो कुछ हम लोग के यहाँ के बिहार के लोग वहां बसे हुए हैं उनके द्वारा आमंत्रित किया गया था सभी माननीय विधायक को, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का चरित्र वहां पर देखने को मिला, जो सब लोग दारू पीने के लिए बेताब हो गए थे उस पर, हम लोग भी वहां पर थे, नीचे खाना का व्यवस्था था और ऊपर दारू की व्यवस्था था, तो खाने में कम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, सब लोग दारू पीने के चक्कर में चले गए, और कहते हैं दारू के बात करते हैं। मैं नाम कभी खुलासा करूंगा, जब बात आएगी तो मैं खुलासा भी करूंगा, उनका फोटो वीडियो सब है जो दारू पीते हुए वहां मुंबई के मैखाना में दारू पी रहे थे। यहाँ पर बात करते हैं दारूबंदी के, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं नीतीश जी बहुत बेईमान है, बहुत नीतीश जी खराब है, 17 साल से उनको नीतीश जी बेईमान है, खराब नहीं लग रहा था, अब महागठबंधन की 1 साल जब सरकार बनी है तो तेजस्वी जी के सहयोग से। हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी विधायक मुकेश कुमार यादव थे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से नीतीश तेजस्वी सरकार के जो विकास कार्य है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, इस संबंध में उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता ही शराब की डिलीवरी करवाते हैं, शराब की खेप को बिहार में मंगवाते हैं और बेचवाते हैं, और बड़ा उन्होंने आरोप बीजेपी नेताओं पर लगा दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।